क्या आप जानते हैं कि लोगों ने जूतों पर हील्स लगाना क्यों शुरू किया? क्योंकि उनमें जीभ तो पहले ही थी। नहीं, हील का आविष्कार 10वीं शताब्दी में हुआ और इसका मूल मकसद था घुड़सवारी को ज्यादा आरामदेह बनाना। कम ऊंचाई वाली हील्स की मदद से लोग अपने पैर रकाब में बेहतर तरीके से फंसा सकते थे, जो उन्हें फिसलने से रोकता था। कई सालों बाद 17वीं शताब्दी तक ऊंची एड़ी के जूते यूरोप में एक फैशनेबल चलन बन गए। लोग उन्हें ये दिखाने के लिए पहनते थे कि उनके पास घोड़ा है और इस तरह औरों को जताते थे कि वे रईस हैं। आपको टर्बो च्युइंगम का अजीब सा आकार याद है? इस गम का ऐसा आकार रेसिंग कार के टायर से बने ट्रैक को दर्शाने के लिए बनाया गया था। 10, 9, 8, 7, क्या आप जानते थे कि उल्टी गिनती का आविष्कार स्पेस इंजीनियर्स ने नहीं किया? इसे 1929 में ऑस्ट्रियाई जर्मन अमेरिकी फिल्म निर्देशक फ्रिट्ज लैंग ने बनाया था। उनकी एक फिल्म में उल्टी गिनती वाला एक सीन शामिल था। फिर नासा ने इसे चुराने, मेरा मतलब इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। बड़े दांतों वाला एक स्पैगेटी का चम्मच लीजिए, बीच में वो छेद देख रहे हैं? इसका मकसद पास्ता को बाहर निकालना नहीं है। इस सर्कल का इस्तेमाल बनाने के लिए स्पैगेटी की मात्रा तय करने के लिए किया जाता है। छेद में फिट होने वाली सूखी स्पैगेटी की मात्रा एक सामान्य सर्विंग है। आपको ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि 3 लोगों के लिए कितनी स्पैगेटी बनानी है। आप इसे इस चम्मच से नाप सकते हैं। एक सुपरमार्केट में आप अंडों के एक शेल्फ के पास से गुजरते हुए सोच रहे हैं कि कौन सा अंडा बेहतर है, सफेद या भूरा। उन दोनों के बीच लगभग कोई अंतर नहीं है। अंडे का रंग चिकन की नस्ल पर निर्भर करता है। ये पक्षी 2 अलग अलग रंगों के पिगमेंट पैदा करते हैं। आप किसी भी रंग के अंडे खरीद सकते हैं, क्योंकि सभी अंडों में लगभग एक जैसे पौष्टिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले क्या आया, भूरा अंडा या सफेद अंडा? खैर छोड़िए, अपने दांतों को ब्रश करने के लिए एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना काफी होता है, लेकिन विज्ञापन ऐसा दिखाते हैं कि आपको पूरे टूथब्रश पर पेस्ट लगाना है, जो कि मार्केटिंग का एक तरीका है। टूथपेस्ट निर्माता चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द नई ट्यूब खरीदें। कार्बन डाइऑक्साइड, भाप और जलते ईंधन के कंडेंसेशन यानी वाष्पीकरण के कारण हवाई जहाज नीले आसमान में सफेद लकीरें छोड़ते जाते हैं। सर्दियों में हमारे मुंह से भाप निकलती है। इन दोनों के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है। जिस ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है, वहां मौसम हमेशा बेहद ठंडा होता है। टर्बाइन से एग्जॉस्ट और गर्म हवा निकलती है। जब ये ठंडी हवा से टकराती है तो भाप की मोटी लकीरें बनाती है। शेफ की टोपियों की ऊंचाई रसोई में उनकी पोजीशन के बारे में बताती है। ये हील्स की तरह ही है। शेफ सबसे ऊंची टोपी पहनते हैं, जिसकी मदद से रसोई के बाकी कर्मचारियों के बीच उन्हें ढूंढना आसान होता है। टोपी पर मौजूद फोल्ड ये बताते हैं कि वो शेफ कितने तरह से अंडे पका सकता है। बेशक आधुनिक किचन अब इन परंपराओं को नहीं मानते, लेकिन टोपी पहनना अभी भी जरूरी है, जिसकी बदौलत आपके खाने में एक भी बाल नहीं गिरता है। शुक्र है डॉक्टर भी इसी वजह से टोपी पहनते हैं, ताकि सर्जरी के दौरान मरीज के सूप में बाल न गिरे। अरे कोई सर्जिकल सूप नहीं होता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हर चीज पर नजर रखने के लिए दुकानों, बैंक्स और अस्पतालों में कैमरे लगे होते हैं। कुछ भी होने पर आप पुलिस या बचाव दल को बुला सकते हैं। वैसे कैमरा वाकई बहुत सारी दिक्कतों को हल करने में मदद करता है, तो हवाई जहाज में कैमरे क्यों नहीं होते? हवाई जहाज के क्रू सारी व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर दिक्कत हो तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हवाई जहाज में वो भाग कर कहीं जा नहीं सकते। उड़ान के दौरान कैमरे बेकार होते हैं और उड़ान के बाद यात्रियों के शब्द कैमरों के बजाय ज्यादा असरदार होते हैं। तो अगर कैमरों का कोई फायदा ही नहीं है, तो उन पर पैसे क्यों खर्च करें? लगभग सभी होटल्स में सफेद चादरें होती हैं। वे इस रंग को खास तौर से ये दिखाने के लिए चुनते हैं कि उनकी सफाई का स्तर कितना ऊंचा है। चादरें जितनी सफेद और साफ होती हैं, होटल उतना ही शानदार लगता है। सफेद कपड़े पर गंदगी और दाग देखना कहीं ज्यादा आसान होता है। ये जैसे इस बात का सबूत है कि आपने एक साफ कमरे में चेक इन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर माउस का ये नाम क्यों है? 1968 में स्टैनफोर्ड
रिसर्च इंस्टीट्यूट के डगलस एंगलबार्ट ने कंप्यूटर माउस पेश किया। उन्हें याद नहीं रहा कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता था। इसकी वजह शायद यही थी कि तार वाला ये छोटा सा उपकरण वाकई एक पूंछ वाले माउस जैसा दिखता था। गैसोलीन यानी पेट्रोल और पानी अगर साथ हो तो ये इंद्रधनुष जैसा दिखता है, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता। ये पानी के ऊपर एक पतली परत सी बना लेता है। जब रोशनी एक ही समय पर इससे और पानी से रिफ्लेक्ट होती है तो आपको एक इंद्रधनुष नजर आता है। चुंबक को घोड़े की नाल के आकार का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इससे इसका चुंबकीय बल बढ़ जाता है। इसके रंग भी मायने रखते हैं। नीला हिस्सा साउथ पोल को दर्शाता है और लाल हिस्सा नॉर्थ पोल को। दोनों पोल एक साथ काम करते हैं और आकर्षण की शक्ति को बढ़ाते हैं। आपके होटल के कमरे के दरवाजे पर लगा डू नॉट डिस्टर्ब का साइन जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक सलाह है। मेड्स और स्टाफ को अगर किसी तरह की गड़बड़ का शक हो तो उन्हें कमरों में जाने का अधिकार है, खासकर तब जब आपने 24 घंटों तक ये साइन न हटाया हो। घड़ियां दाईं तरफ क्यों चलती हैं? इसकी मुख्य वजह सूरज है। प्राचीन काल में जब लोगों ने धूप घड़ी का आविष्कार किया तब सूरज की छाया उत्तरी हेमिस्फीयर में दाएं तरफ और दक्षिणी हेमिस्फीयर में बाएं तरफ जाती थी। मैकेनिकल घड़ी का आविष्कार सबसे पहले उत्तरी हेमिस्फीयर में हुआ था, इसलिए ये हमेशा दाएं चलती है, या जैसा कि हम अब कहते हैं क्लॉकवाइज। हीरों को सिमेट्रिकल आकार में इसलिए काटा जाता है ताकि उनकी चमक नजर आए। शुरुआत में ये जेम इतने सुंदर नहीं होते हैं। ये कटिंग के कई चरणों से गुजरते हैं और फिर खूबसूरती की मिसालें बन जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पत्थरों का आकार गोल होता है और इनके कोने थोड़े नुकीले होते हैं। इस आकार में हीरे सबसे ज्यादा चमकते हैं। सॉकेट में दो छेद क्यों होते हैं? बायां छेद न्यूट्रल है, दायां छेद गर्म है और नीचे का गैप ग्राउंड है। बिजली को एक चेन से फ्लो करना होता है। उदाहरण के लिए हॉट स्लॉट से करंट फ्लो होता है और आपके फोन चार्जर से होकर गुजरता है और फिर न्यूट्रल छेद पर पहुंचता है। आपने कभी सोचा है कि आपकी जीन्स में वो छोटी सी जेब किस लिए होती है? लोग पहले चेन वाली घड़ियां पहनते थे, इसके लिए एक छोटी जेब होती थी। अब लगभग कोई भी ऐसी घड़ी नहीं पहनता है, लेकिन जेब फिर भी मौजूद है। आप उसमें अंगूठी जैसी कोई छोटी चीज रख सकते हैं। लॉलीपॉप स्टिक में दो छेद होने की एक वजह है। जब स्टिक को गर्म चाशनी में डाला जाता है तो इन छेदों में भी लिक्विड जाता है। ये लॉलीपॉप को पूरी तरह से जमने पर स्टिक पर मजबूती से लगे रहने में मदद करता है। पैनकेक कैप में भी दो छोटे छेद होते हैं। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि अगर आप कैप को गलती से निगल लें तो इससे आपका दम नहीं घुटेगा। काफी अच्छा है ये तो, लेकिन फिर भी कैप को अपने मुंह से दूर ही रखिए। लोगों ने टाई क्यों पहनना शुरू किया? ये 17वीं शताब्दी में यूरोप से शुरू हुआ। उन्होंने कॉलर को कसने के लिए एक टाई का आविष्कार किया। ये सैनिकों को उनकी गर्दन पर लगने वाली ठंडी हवा से बचाता था, लेकिन किंग लुई 13 को ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे शाही समारोहों व सभाओं के लिए आवश्यक कर दिया। चॉपस्टिक्स जुड़े हुए क्यों होते हैं? अगर वे डिस्पोजेबल हैं, तो उन्हें लकड़ी के क्लैंप से जुड़ा होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपसे पहले किसी ने इन चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। नए कपड़ों के कोनों में सिले कपड़े के छोटे टुकड़े असल में पैचेस नहीं होते हैं। वे धोने के लिए पहले टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। आप इस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालकर देख सकते हैं कि इसके साथ क्या होता है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप आराम से अपने कपड़े धो सकते हैं। पार्टीज में ड्रिंक्स के कप लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपको टेबल पर स्नैक्स, ड्रिंक्स और दूसरे लाल कप्स के बीच अपनी ड्रिंक को जल्दी ढूंढने में मदद करता है। आपको एक हिंट दें, अपने कप पर अपना नाम लिख लीजिए। साथ ही लाल को एक ऐसा रंग माना जाता है जो एक्शन के लिए उकसाता है। मानसिक स्तर पर ऐसा लगता है कि लाल कप आपसे कह रहा है, मुझे पी लीजिए। लोगों का मानना है कि पीली टैक्सीज की जड़ें 15वीं सदी के इटली से जुड़ी हैं। एक पोस्टल व्यापारी ने डाक पहुंचाने के लिए पीले कैबिन का इस्तेमाल किया। वो चाहता था कि सभी उसकी गाड़ियों को पहचान लें। तरह तरह के पास्ता अलग अलग आकार के होते हैं, क्योंकि हर एक शेप एक खास
सॉस के साथ जाती है। उदाहरण के लिए पतला और चिकना पास्ता हल्के सॉस और इंग्रेडिएंट्स के लिए सही होता है। मोटा रिब्ड पास्ता जैसे पैने गाढ़े सॉस और वेजिटेबल स्ट्यू के लिए अच्छा होता है। लैब कोट सफेद नीले और हरे रंग के क्यों होते हैं? पहले डॉक्टर सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे क्योंकि इस रंग को सफाई और कीटाणु रहित होने का प्रतीक माना जाता था। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने हरे रंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि ये डॉक्टर की आंखों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जब एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान लंबे समय तक खून का लाल रंग देखते हैं तो उनकी आंखों की सेंसिटिविटी इस रंग के लिए कम हो जाती है। लाल रंग के कई शेड मिक्स होने लगते हैं और इस कारण डॉक्टर इंसानी शरीर की बारीकियों को साफ साफ देख नहीं पाते, लेकिन आसपास नीले या हरे रंग उनके विजन को रिफ्रेश करने में मदद करते हैं। आंखें एक सेकंड के लिए आराम करती हैं और फिर लाल रंग की तरफ वापस चली जाती हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर सफेद कोट को देखते हैं तो उन्हें आंखों में छोटे हरे धब्बे नजर आ सकते हैं। आप खुद ये टेस्ट कर सकते हैं। कुछ मिनटों के लिए लाल रंग की किसी चीज को देखें, फिर अपनी नजर एक सफेद कागज की शीट की तरफ मोड़ें। आपको हरे रंग के धब्बे नजर आएंगे। तो ध्यान भटकने से बचने के लिए डॉक्टर नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। साथ ही अलग अलग अस्पतालों के अपने नियम भी हो सकते हैं। हायरार्की यानी पद क्रम के मुताबिक कपड़े अलग रंगों के हो सकते हैं। डॉक्टर को नर्स या इंटर्न से अलग पहचानने के लिए भी ये जरूरी है। हालांकि अस्पताल के मरीजों को अभी भी वही गाउन पहनना पड़ता है जो पीछे से खुला होता है। सावधान, आपके पीछे क्या है?